Of the employees, उनकी इन्वॉल्वमेंट उनकी इंकरेजमेंट के साथ साथ हमें कमिटमेंट भी दरकार है ताकि दे कमिटेड टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द फेयर प्रोसेस इज टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन और जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम क्लैरिफाई करें अपने आइडियाज को दूसरों के साथ कि हमने कोई भी फैसला जो किया उस फैसले के बैकेंड के ऊपर हमारी क्या थिंकिंग थी हमारे क्या प्रोसेसिस थे जिनकी बुनियाद पर हमने एक पर्टिकुलर फैसला किया सो दैट द पीपल शुड फील इनवॉल्व सेकेंड एक्सप्लेनेशन में हम ये बात डिस्कस करते हैं कि हम री कर सकें दूसरों को कि उनकी ओपिनियन इज ऑलवेज वेलकम्ड उनकी ओपिनियन को हम रायगा नहीं जाने देते उनकी ओपिनियन को हम एक पर्टिकुलर वेटेज देते हैं अपने फैसलों में और ऑब्वियसली आज या कल उनका वो जो ओपिनियन होगा वो हमारे आइंदा फैसलों के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन वो दे रहा होगा एट द सेम टाइम जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू क्रिएट एन एनवाइट ऑफ ट्रस्ट एंड ऑबियसली द शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग के बगैर ना मुकम्मल रहती है वो बात जो आप एक्चुअली कम्युनिकेट वो करना चाहते हो द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द फेयर प्रोसेस वेन वी टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ नॉलेज इकोनमी इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन जैसा कि हमने टोटल लीडरशिप कॉन्टेक्ट में भी विजुअलाइज किया कि वहां पर हमें अपने तमाम स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो काम करना है सो एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस को को मीट करने करने से को करने से शेयर वी आर बेटर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अवर ट्रू कैपेबिलिटीज अब एक्सपेक्टेशन के हवाले से याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शेयर द एक्सपेक्टेशन सेकेंडली वी हैव टू सी कि हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं क्या क्वालिटेटिवली और क्वानिटेटिवली पीपल शुड बी नोइंग टू 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 डू 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 हाउ थर्डली हमें देखना पड़ेगा कि हम हम फेलियर्स को भी करेंगे और हम अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड भी करेंगे इससे लोगों की जो लर्निंग है वो ज्यादा बेहतर डेवलप हो सकती है बिकॉज वो कोशिश करेंगे कि रिवॉर्ड के हसूल के लिए दे शुड बी बेटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन कंस्ट्रक्टिव मैनर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इन एक्सपेक्टेशन इज दट वीव टू एवॉड दस या प्रजीच्यूड को यूज ना करें बिकॉज उससे पीपल वुट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कैपेबिलिटीज एंड दे आर लेफ्ट बिहाइंडोर एक्सपेक्टेशन एक्सप्लेनेशन ये तमाम वो चीजें हमें चाहिए जिनके साथ हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट को वो लेकर आ सकते हैं dear students if we try to conclude this whole discussion remember in the creation of the knowledge economy we are there to come up with fair processes or fairness will be created when the people are aware about what's going on what are the things done in their motivation and how can they contribute towards betterment of the organization or the facility they are working in thank you